रहे। इस वीडियो में हम देखते हैं एनईडी के पास पेपर। सही, ये है 2014 का फिजिक्स का पास पेपर, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है इन इलास्टिक कोलिजन, तो ऑप्शन दिए हुए बहुत सारे। मैं बता, इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सेम रहती है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। इन इलास्टिक क्या होता है जिसमें सेम नहीं रहती, तो इसका ऑप्शन क्या है? बी। सही, पहले का ऑप्शन हो गया बी। इफ द अर्थ रेडियस बिकम ट्वाइस देन जी, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी? अर्थ का रेडियस अगर डबल हो गया, आर अगर 2re हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका फार्मूला होता है, ये सिंपल वाला लगाएंगे, आर ई स्क्वायर। सही, तो आर ई की जगह क्या पुट करना है? सही, आर बाकी सब सेम रह रहा है, सिर्फ डबल क्या हो रहा है? रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू की जगह हमने 2re लिख दिया। सही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको अगर हम यू लिख सकते हैं, सही, ये किसके बराबर आ गई? जी डैश की वैल्यू 1/4 g। ये तो वही वैल्यू है ना जो अर्थ जमीन पे होती है, सरफेस पर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगी। इसमें है ए, तो दूसरे का ऑप्शन हो गया ए। सही, अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच डीसी, अच्छा रेक्टिफिकेशन क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डीसी करंट में। तो रेक्टिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि दो तरह की रेक्टिफिकेशन होती है। सही, इसमें पूछा हुआ तो नहीं। एक होता है हाफ वेव, इसमें क्या हो रहा होता है कि सिर्फ हमें ये मिल रहा होता है, ये वाला साइकिल मिल रहा होता है, हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। और नेगेटिव में क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? पूरा इसमें ये भी मिल रहा होता है। सही, वो D1 D2 दो डायोड लगा देता है। खैर, ये पूछा हुआ नहीं। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच AC इज कन्वर्टेड इनटू DC, अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में हो जाता है चेंज। अच्छा, अब चौथा है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला लगेगा, विद इनिशियल वेलोसिटी 20 एंड जी दिया हुआ है 10 m/s², तो ये कौन सा था? चौथा। तो हम देख लेते हैं, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है V0² / g। सही, साइन 2θ 1 के बराबर लेते हैं तो मैक्सिमम हो जाता है, वो थीटा 45 डिग्री होता है। सही, तो आपको क्या दिया हुआ? 20 का आपने स्क्वायर कर लिया डिवाइडेड बाय 10 दिया हुआ है, तो 10 40 आ गया। सही, इसका ऑप्शन हो गया 40 ए। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg विद वेलोसिटी ऑफ 10 m/s स्ट्राइक्स अ बॉल, यहाँ बॉल नहीं है, बैट है यहाँ, स्ट्राइक्स अ बॉल एंड रिटर्न्स विद द सेम वेलोसिटी इन 0.01 सेकेंड, फाइंड फोर्स ऑन द बैट। तो ये पांचवा न्यूमेरिकल है, इसको हम देखते हैं। इसमें फार्मूला लगेगा F = ma। सही, ये फार्मूला होता है। फिर वेलोसिटी जो है, चौंका वो चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी देखो लिखा हुआ है ना, एंड रिटर्न्स विद द सेम वेलोसिटी इन 0.01 सेकेंड। तो देखो V का फार्मूला क्या होता है, A का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ये mv/t हो गया, मास दिया हुआ है 0.2 kg। सही, वेलोसिटी है आपकी कितनी? 10, टाइम दिया हुआ है 0.01, तो आ जाएगा 200 न्यूटन। सही,
200 न्यूटन आ जाएगा। जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट एच, जिसे कहते हैं हम छठा है ना जूल एच, सही 6.34 एक्सपोनेंट -334 जूल सेकंड। इसका वो होता है, ये कैलकुलेटर में भी मौजूद है, देख लें यहाँ पे एच की वैल्यू कहाँ है 6 पे, सही है। तो इस पर आप कांस्टेंट पे शिफ्ट दबाया, कांस्टेंट पे गए 0.6 की आ गई वैल्यू भी आ गई, यूनिट पता होना चाहिए जूल सेकंड।